पांच कोस पर भाषा बदले, कोस कोस पर पानी, ये कहावत लोगों ने सुनी होगी। लेकिन यहाँ आलम यह है बिहार के सीमांचल के इलाके में कि यहाँ एक ही गांव में कोस और पांच कोस की बात नहीं है, बल्कि एक ही गांव में, एक ही पंचायत, एक ही वार्ड में अगर जाएंगे तो हर कदम पे जो नियम है वो बदल जा रहा है, जो कहावत है वो बदल जा रही है। इसी अररिया के अभी हम दूसरे टोले में, ये त्रिशूलिया टोला है, लेकिन जो दो स्कूल हैं इससे महज 100-200 मीटर की दूरी पर एक स्कूल खुला हुआ है, एक स्कूल बंद है। ये जो तीसरी स्कूल में हम पहुँचे हैं, यहाँ पर ये आज रविवार है और रविवार के दिन भी आज यहाँ पर स्कूल खुले हुए हैं। यानी कि एक पंचायत में ही अगर देखें तो अगर तीन स्कूल हैं तो उन तीन स्कूलों में दो स्कूल खुले हुए हैं, एक स्कूल हमने देखा कि बंद है। अब यहाँ देखिए, यहाँ किस तरह से ये क्लासरूम है वो हर रोज़ की तरह संचालित हो रहा है। शुक्रवार को अलबत्ता ये स्कूल बंद रहता है। स्कूल के प्रिंसिपल भी हमारे साथ हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद अलाउद्दीन। वो कब स्कूल खुलता है, कब बंद रहता है? एतवार शुक्रवार को स्कूल बंद रहता है, एतवार खुला रहता है, रविवार को खुला रहता है। ये कब से ये है इस तरह से? क्योंकि पूरे देश में या बिहार के ही और हिस्से में आबादी चाहे जो हो, स्कूल रविवार को बंद रहते हैं, छुट्टी मतलब रविवार, लेकिन यहाँ ये कब से हो गया और क्यों हो गया? तो हम लोग जब से जन्म हुए तब से, जब से स्कूल आए हैं तब से देखते हैं शुक्रवार को बंद रहता है, इतवार खुला रहता है। तो आपने कोशिश की जानने की कब से हुआ, किसके आदेश से हुआ? नहीं, ये हम कोशिश नहीं किए अभी तक। ये जो परंपरा चली आ रही थी उसी को आपने भी आगे बढ़ा, फॉलो कर रहे हैं हम लोग जी। क्यों है ऐसा? यहाँ के शिक्षक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम परवेज आलम। परवेज साहब, क्यों है ऐसा? ये तो सर हम लोग का जन्म से, क्या बाप के जन्म से भी हम लोग देखते आ रहे हैं कि शुक्रवार और रविवार दो छुट्टी स्कूल में लागू है। अब ये क्यों है सर, ये हम लोगों को भी पता नहीं। लेकिन हम अपने जन्म से और अपने पूर्व के पूर्वजों से देखते आ रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ रवि छुट्टी मतलब रविवार नहीं, 1948 हम दूसरी बात कर रहे हैं। तो ये इलाके से बदल गया ना, आप जिस इलाके में हैं, हम जिस इलाके के हैं, हम जहाँ हैं हम वहाँ देख रहे हैं छुट्टी मतलब रविवार, स्कूल हो, कॉलेज हो, बाकी इंस्टीट्यूशंस हो, रविवार मतलब छुट्टी। लेकिन यहाँ आप दूसरी चीज़ देख रहे हैं। नहीं, ये शुक्रवार को भी छुट्टी है, शुक्रवार को बहुत जगह, बहुत स्कूल में छुट्टी है, हमारे गांव में भी है। यही मैं समझना चाह रहा हूँ कि फिर आखिर यहाँ क्यों, आपके एक गांव में रविवार को छुट्टी है, यहाँ रविवार को स्कूल चल रहा है, कारण क्या है? ये तो पहले से एक परंपरा बनी हुई है तो उसी को वही देख रहे। परंपरा क्यों बन गई होगी? क्या ये आबादी यहाँ मुस्लिम क्षेत्र है? मुस्लिम क्षेत्र है, मुस्लिम क्षेत्र। कितनी आबादी होगी यहाँ मुस्लिम? लगभग प्रतिशत में, प्रतिशत में 100% मुस्लिम है, 10% मुस्लिम, 10%। आपके स्कूल में हैं हिंदू छात्र? जी, 10% 10%। टीचर्स कितने हैं यहाँ? यहाँ 7 टीचर हैं। 7 टीचर, उसमें कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू? 5 मुसलमान हैं, 2 हिंदू। 2 हिंदू। तो ये बताइए, ये आबादी तय करेगा नियम कानून, मजहब धर्म नियम कानून तय करेगा कि नियम तय करेगा? नियम तय करेगा, मजहब धर्म कैसे तय करेगा, नियम तय करेगा वो। तो आप तो खुद ही कह रहे हैं कि चूंकि आबादी यहाँ 90% मुसलमानों की आबादी है, तो जो जहाँ बहुसंख्यक होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं, वो बात नहीं है, वो बात कैसे होगा? अगर जिस इलाके में हिंदू ज़्यादा हैं उन इलाकों में मंगलवार को या फिर सावन का महीना है सोमवार को जल चढ़ाने के लिए छुट्टी स्कूलों में होनी चाहिए? ये थोड़े चलेगा, ऐसा थोड़े होता है। ये तो चल रहा है, तो ये तो चल रहा है ना। नहीं, ये धर्म को जोड़ के मत देखिए, इसको धर्म को जोड़ के मत देखिए। आबादी मुस्लिम है तो मुस्लिम तो धर्म ही है ना, मुस्लिम तो धर्म है। बहुत सारा जगह आपको मिलेगा जो हिंदू और मुस्लिम दोनों है कम्युनिटी में, वहाँ पर शुक्रवार की छुट्टी है, शुक्रवार को छुट्टी है, ऐसा ऐसी बात नहीं है। बहुत जगह है हिंदू है वहाँ शुक्रवार को छुट्टी चल रहा है, चल रहा है। कई जगह लोग आपत्ति भी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जहाँ जिसकी आपत्ति नहीं है, आपत्ति अब हो रहा है, आपत्ति पहले नहीं था, पहले कोई आपत्ति नहीं है। हम तो हिंदू स्कूल में हम भी पढ़ाए हैं, इससे पहले भी पढ़ाए, वहाँ पर भी शुक्रवार की छुट्टी हुई है, आपत्ति आज हो रहा है, पहले कोई आपत्ति नहीं था। पता भी तो आज ही चल रहा है ना कि धीरे नहीं, धीरे धीरे किस तरह से इतिहास भूगोल सब बदल गया है। किसी को देश के एक बड़े हिस्से को पता भी नहीं है कि देश के इस राज्य के इस हिस्से में भूगोल और इतिहास सब बदल गया है। नहीं, इसी हिस्से में नहीं, बहुत सारा हिस्से में आपको शुक्रवार की छुट्टी मिलेगा, झारखंड में मिलेगा, इसी झारखंड में भी वही हिस्सा है जो जिस हिस्से की बात यहाँ हो रही है। हाँ, तो ये बिहार में सभी जगह पर शुक्रवार की छुट्टी हो रही है, हर जिले में आपको मिलेगा शुक्रवार की छुट्टी, हर जगह हर जिले में वही मिलेगा जहाँ आबादी। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जहाँ मुस्लिम आबादी है। आबादी के हिसाब से नहीं है छुट्टी,
हम तो हिंदू सहमत हैं, आबादी के अनुसार छुट्टी नहीं है, जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है वहीं शुक्रवार को छुट्टी है। बहुत जगह ऐसा भी देखे गए हैं जहाँ दोनों मिक्स है वहाँ भी छुट्टी है बहुत जगह, लेकिन ज़्यादातर जगह तो जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वहाँ स्कूलों में अभी है ज़्यादातर ज़्यादातर। यही तो मैं कह रहा हूँ, क्या आबादी मजहब धर्म शिक्षा को तय करेगा या फिर शिक्षा के लिए नियम कानून होगा? जो नियम है उसी कानून के तहत चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि धर्म के आधार पर छुट्टी होगी या और कुछ होगा। ये कैलेंडर है ना आपके पास? हाँ, कैलेंडर है। उस कैलेंडर में कब छुट्टी है? उस कैलेंडर में रविवार भी है, शुक्रवार भी दिखाया गया है। वो किसका कैलेंडर है, किस विभाग का? शिक्षा विभाग का। शिक्षा विभाग का कैलेंडर कह रहा है कि रविवार को छुट्टी होगी, लेकिन आपके यहाँ तो रविवार को क्लास चल रहा है ना। आप कह रहे हैं मतलब आपकी कथनी और करनी में सामंजस्य नहीं है। आप कह रहे हैं कि जो नियम कहेगा वो होगा, तो नियम आपकी जेब में जो है मोबाइल में जो कैलेंडर है उस कैलेंडर में रविवार छुट्टी है शिक्षा विभाग के, लेकिन क्लासेस चल रहे हैं। क्लासेस चल रहे हैं तो ये छुट्टी है, चूँकि दो छुट्टी है, एक चाहे रविवार मनाइए या शुक्रवार मनाइए, तो शुक्रवार को हम लोग मनाते हैं तो रविवार खोल के रखते हैं। सो बात नहीं है कि शुक्रवार को ये कहाँ है, ये सरकार तो नहीं कह रही है कि भाई शुक्रवार को भी उनके पास छुट्टी है? ये तो आपसी बहुत पहले से आप ये आपसी जो सहमत है, शिक्षा समिति बनाया, शिक्षा समिति को अभी चाहिए कि नहीं हम इस टाइम को नहीं हम 6:30 से पढ़ाएंगे, ये शिक्षा समिति का कह रहे हैं कि ये आपसी सामंजस्य से, यानी कि नियम और कानून चाहे जो कहे, शिक्षा विभाग चाहे जो कहे, शिक्षा विभाग का कैलेंडर चाहे जो कहे, लेकिन जो आपसी सामंजस्य है यहाँ आसपास में शिक्षा समिति, हाँ शिक्षा समिति, क्या नाम है तुम्हारा? आफ्ताब। आफ्ताब क्या पढ़ रहे हैं आफ्ताब? आमपरा। क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अहमद मैं। देखिए मनोहर पोथी आज भी नहीं बदला है, हम लोग भी ये मनोहर बाल पोथी पढ़ के बड़े हुए हैं और ये बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, लेकिन इस बड़े होने के बीच में बहुत कुछ बदल गया है। सर ये मनोहर पोथी ही पढ़ के हम भी बढ़े हुए हैं, आप भी मनोहर पोथी पढ़ के बढ़, और आज भी मनोहर पोथी नहीं बदला है, लेकिन कुछ जनांकीय स्थिति बदली, नियम कानून बदल गए, है कि नहीं? देखिए कुछ चीज़ जो है ना सर, शिक्षा समिति को जो अधिकार दिया है तो उस अधिकार के तहत आप टाइम को भी चेंज कर सकते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? पूनम। पूनम कुमारी। पूनम जी ये बताइए, आपके घर में तो लोग आज छुट्टी मना रहे हैं या हर संडे को लोग घर में हैं? हाँ। और जब शुक्रवार को वो ऑफिस जाते होंगे तो आप घर में रहती होंगी? वो भी टीचर ही हैं। अच्छा, वो भी टीचर ही हैं। हाँ जी। और उनकी भी छुट्टी रविवार? आज हाँ, छुट्टी है। आज रविवार को छुट्टी है, तो फिर वो रविवार को छुट्टी और आप रविवार को स्कूल में? हाँ। दिक्कत होती है घर में सामंजस्य बनाने? कोई दिक्कत नहीं होती। आपके हस्बैंड शुक्रवार को घर में रहते हैं, आप शुक्रवार को रहती हैं, वो रविवार को घर में रहते हैं? अच्छा है ना, हफ्ते में दो दिन अलग अलग आदमी घर संभाल लेता है। चलिए रविवार को छुट्टी है, आज छुट्टी में है। अच्छा हाँ, घर में भी वही है जी? तो आपको भी लगता है कि अच्छा से कम दो दिन अलग अलग है? हाँ जी। आप रविवार को सुकून में हैं, वो शुक्रवार को सुकून में जी? जी। चलिए, लेकिन सबसे अहम ये है कि ये मनोहर पोथी नहीं बदला है, पोथी नहीं बदला है, पतरा नहीं बदला है, लेकिन इस बदलाव के बीच में एक कुछ ऐसी प्रक्रिया हुई है कि बहुत कुछ बदल गया है। हम भी मनोहर पोथी पढ़ के बढ़े हुए हैं, ये जो शिक्षक हैं वो भी मनोहर पोथी पढ़ के बढ़े हुए हैं, बच्चे भी यही मनोहर पोथी पढ़ के बढ़ रहे हैं, लेकिन पोथी तो नहीं बदला है, शिक्षा नहीं बदली है, लेकिन ये है कि बच्चे भी यही पढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूलों को ये शुक्रवार और रविवार की पट्टी किसने पढ़ाई है ये किसी को पता नहीं है। मनोहर पोथी ने तो क ख ग घ ए बी सी डी या फिर अलिफ बेते से भी पढ़ाई होगी, लेकिन इन स्कूलों को ये पट्टी कब और किसने धीरे से पढ़ा दी ये किसी को पता नहीं है। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, अररिया बिहार।